थोड़ा राइट सुनील भैया, हल्का सा नीचे, ये हाँ परफेक्ट, एकदम फर्स्ट क्लास है ना दीदी। अच्छा सुनील भैया, क्लास से याद आया कि बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है, थर्ड में है ना वो? हाँ दीदी, पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है दीदी, वो भी आपकी वजह से, ऑनलाइन पढ़ने लगे है ना, आप अगर लैपटॉप ना देते ना दीदी, मेरी बेटी पढ़ ही ना पाती। थैंक यू दीदी। अरे सुनील भैया, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, बस उसे अच्छे से पढ़ाते रहिए, ठीक है? हाँ दीदी। हाय। हाय। नवरात्रि का डिस्काउंट बोर्ड लगाते ही कस्टमर्स आ गए। अरे कहाँ श्रेया मैडम, ऐसे शोरूम वाले तो हम जैसों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा के रखते हैं। लेकिन जब तक नहीं है तब तक तो अंदर आ सकते हो ना? नहीं नहीं, यहीं पे रहते हैं। अरे कहाँ, वो अंदर तुम्हारा सड़ू सा इरिटेटिंग बॉस होगा, नहीं यहीं खड़े होकर बात करते हैं। अच्छा चलो बताओ क्या बात करनी है। मैं सोच रहा था कि नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो तुम व्रत रखती हो? तो तुम ये पूछने आए हो कि मैं व्रत रखूंगी या नहीं? नहीं ये तो मम्मी वाला सवाल हो गया, ये पूछने क्यों आऊंगा मैं, नहीं मैं कुछ और पूछने आया था। ओह माय गॉड, ये कहीं डेट पे जाने के लिए तो नहीं पूछने आया, तभी ये इतना हर्ट बढ़ा रहा है। तुम फ्री हो? आई न्यू इट। अभी नहीं, कल। लो ये काम भी कल पे टाल दिया इसने, सच में आलसी है। कल, परसों, नरसों, तरसों, अगले 9 दिन तक। वो क्या है श्रेया, मेरी कॉलोनी में ना गरबा नाइट हो रहा है, तो मैंने सोचा तुम्हें इनवाइट कर लूं अगर तुम इंटरेस्टेड होगी तो। तो तुम ये पूछने आए हो? सॉरी, तुम्हें गरबा नहीं पसंद है ना? आई न्यू इट। मैंने जेकब को बोला था कि अगर श्रेया को गरबा पसंद नहीं हुआ तो तभी फाड़ कर फेंक देना था ये पोस्टर। अब नो नो, वेट वेट वेट, मुझे तो गरबा बहुत पसंद है। रियली? लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हें गरबा पसंद होगा। अरे मुझे बहुत पसंद है गरबा, आई लव गरबा, मैं हर साल करता हूँ। अरे मुझे तो इतना पसंद है कि मैंने अपने भाई के बारात में भी गरबा कर दिया था। ग्रेट, मैं मेरी फ्रेंड गुंजन को भी लेकर आती हूँ, वो भी आ जाएगी। अच्छा गुंजन को भी? हाँ। लेकिन ये तो कपल कॉम्पिटिशन है। हाँ वही तो, तभी तो पूछने आया हूँ। श्रेया मैं जेकब के साथ गरबा करूंगा तो थोड़ा और लगेगा ना, तो तुम भी अपनी दोस्त के साथ करोगी गरबा तो वो कम और थोड़ी लगेगा। हाँ दीदी, सर बुला रहे हैं। ओके। ये क्या कर दिया तुमने, ये मैं माता के अभिषेक के लिए लाई थी, सारा गिरा दिया। आंटी रिलैक्स, इतना गुस्सा मत कीजिए। मेरा पूरा पंचामृत गिरा दिया और गुस्सा ना करूं? आंटी इनके पैर गंदे हो गए थे, बस वही धो रही थी। किनके? ये स्कूटर के पैर गंदे हो गए थे? अरे यहीं पे थी। तुझे कोई भूत वूत दिखा क्या? नहीं आंटी, अभी वो यहीं पे थी, उनके पैर में कीचड़ लगा हुआ था। तो मेरा पंचामृत मिला था उसका पेडिक्योर करने के लिए? तेरी क्या दुश्मनी है मुझसे, कभी मेरा हेलमेट तोड़ देती है, कभी मेरा चप्पल गायब कर देती है, और आज ये क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी है तू? आंटी मैं सच बोल रही हूँ, वो आपकी फ्रेंड जो आपके साथ हमेशा दिखती है वही थी, उनके पैर में पूरा कीचड़ लगा हुआ था, बस वही धो रही थी। माता का भूत, मेरे 9 दिन के नवरात्र की शुरुआत है आज, सुबह से तैयारी में लगी थी, मेरे किसी शुभ काम के लिए मुझे माता का अभिषेक करना था, अब वो निरंकारी की बहू करेगी, मुझे पहले करना था, एक बूंद भी नहीं छोड़ा, पूरा बर्बाद कर दिया। सासू माँ, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो, अभिषेक कहाँ हो रहा है ना? कहाँ से करूँ अभिषेक, ये देखो। बर्तन लीक कर रहा है क्या? नहीं, इस महान लड़की ने पूरा बहा दिया, सामने वो नल नहीं दिखाई दिया, अरे पानी से धो देती जिसके भी पैर धोने थे। आंटी नल में पानी नहीं आ रहा था और उस वक्त मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। बस बस, मुझे तुमसे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, आप ही बताइए
क्या मैंने कुछ गलत कहा? Not at all. सड़क पे कोई औरत तकलीफ में हो तो आप बस खड़े देखते रहते हैं। बताइए आप क्या करती? कुछ भी करती, लेकिन माता को चढ़ाने वाले पंचामृत से किसी के पैर नहीं धोती। माता कहीं से सुन रही होंगी ना आपको, तो सर पीट रही होंगी अपना। किसी इंसान को तकलीफ में छोड़कर भगवान की श्रद्धा में लग जाए, ये भगवान खुद नहीं चाहेंगे। जितनी इज्जत आप मूर्ति को देते हो उतनी ही इज्जत इंसान को भी देनी चाहिए। संस्कारों से युक्त स्त्री ही लक्ष्मी का रूप होती है। इसके संस्कार ही तुम्हारे घर के विकारों का अंत होगा सविता। मेरा तुम्हारे घर में आने का द्वार यही लड़की खोलेगी। चलिए। क्या करूं मैं, कैसे अभिषेक होगा अभी? ए, ए लड़की, अरे ये देखो क्या किया इसने। असुमा, वो नहीं लड़की। मैडम वो लाल साड़ी वाली बहन जी कहाँ गई जो यहाँ खड़ी थी? कौन, सविता जी? हाँ हाँ वही, कह रही थी अपने घर की लक्ष्मी को ये देना है, पर वो तो लिए बिना ही चली गई। कमाल है। लगता डैडी जी की परछाई आप पे पड़ रही है, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी, लेकिन भाग गई ना बर्तन। मॉम, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने डरा दिया तुझे? ऑब्वियसली। बाय द वे, किसे कॉल कर रही थी? अपनी होने वाली सासू माँ को। ओफो, छोड़ ये सब चक्कर, कुछ नहीं रखा है, चल भाग चलते हैं। चल तू रेडी हो जा, भाग जाएंगे। अरे मॉम, आप वापस भागने के पीछे पड़ गई। आप ना दुनिया की पहली मॉम होगी जो खुद की बेटी को भगाने के पीछे पड़ गई। ओफो, तो मैं भी तो तेरे साथ भाग रही हूँ ना। सुन, तू फिल्म स्टार बनेगी तभी तो मैं फिल्म स्टार की मॉम बनूंगी ना। तू शूटिंग करती रहना और मैं शूटिंग पर नखरे करती रहूंगी, जैसे हर बड़ी हीरोइन की मॉम करती है। और सुनना, तेरा सारा काम भी मैं ही संभालूंगी। उसके लिए पहले मुझे तो सुपरस्टार बनना पड़ेगा ना। हाँ तो वो क्या, यहाँ रतलाम में बैठे बैठे बनेगी? चल उठ बेटा। सुन, वैसे भी वो लड़का वैभव, तू तो उससे प्यार भी नहीं करती, फिर तू क्यों कर रही है ये सब? पैसों के लिए मॉम। मॉम, मुंबई बहुत महंगा शहर है, वहाँ एक्ट्रेस को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर ऐसे खाली हाथ चले गए ना तो वड़ा पाव खाकर गुजारा करना पड़ेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।